स्वागत है संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का। वेदांत सार को हमने लगभग 70% भाग को जान लिया है। आज से कोशिश करेंगे कि दो चार वीडियो में उसको वेदांत सार को समाप्त कर दिया जाए। अब सबसे पहले वेदांत सार को क्रमशः समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अर्थ संग्रह का कुछ हिस्सा रह गया है उसका भी हमने 70 भाग जान लिया है। तो धीरे धीरे सभी दर्शन हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने जान लिया था कि स्थूल जो रचना होती है भूतों की, वो हमने जान लिया था। इसमें समष्टि और व्यष्टि रूप से दो भागों में बांटा गया था। समष्टि रूप से जो चैतन्य है स्थूल रूप में, वो वैश्वानर के नाम से जाना जाता है, और व्यष्टि में चैतन्य का नाम विश्व हो जाता है। होता एक ही है, चैतन्य होता है, सभी को पता है। आपको जानना चाहिए कि हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो नाम अनेकों हैं किसी भी विषय में, लेकिन जो पीछे जो कार्य है, जिसके द्वारा जो सब कुछ चलायमान है, वो चैतन्य है, उसी के बारे में हम जान रहे हैं, अर्थात ब्रह्म है, ब्रह्म की चर्चा। तो वेदांत सार में अब उसके चैतन्य है या विश्व वैश्वानर है, उनके भोगों का वर्णन किया जा रहा है कि अर्थात वो किस किन किन भोगों का कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा विस्तृत भी जाएगा ये, और इतने सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करूंगा, चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको एक बार देखने के बाद में दोबारा फिर जानने की इच्छा ही नहीं होगी, एक बार में बातें समाप्त हो जाती हैं। जागृत अवस्था में भोगों का वर्णन, ठीक है, ये जागृत अवस्था है उसमें हम भोगों का वर्णन जानेंगे। अब भोगों का वर्णन जानेंगे किसका, तो हम पहले ही कह चुके हैं विश्व और वैश्वानर, ये समष्टि व्यष्टि और समष्टि के रूप में इन दोनों चैतन्य के ही नाम हैं। ये दोनों भोग करते हैं, लेकिन किसके द्वारा वो भोग नियंत्रित होते हैं, वो कौन कौन से देवता हैं, किन इंद्रियों के द्वारा भोग किया जाता है और किसका भोग करते हैं, तीन भाग हैं। तो पहले भाग में हम ज्ञानेंद्रियां जो भोग करते हैं उसको जानेंगे, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग किया जाता है। दूसरा है कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा भी भोग किया जाता है, उसको भी जानेंगे। इनके सभी के देवता भी अलग अलग हैं, भोग भी अलग अलग हैं, और जिनके द्वारा भोगा जाता वो भी सारी चीजें अलग हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तीसरा है अंतर इंद्रियां, अंतर इंद्रियां मतलब अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके द्वारा भी भोगों का वर्णन है। एक बार अगर आपने सही से जान लिया तो फिर आपको फिर इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो ज्ञान इंद्रियों को ले लेते हैं, सीधा इसमें बोला गया है तदानीम एतौ विश्व वैश्वा नरौ, तदानीम एतौ विश्व वैश्वना वैश्वानरौ, अर्थात उनका जागृत अवस्था में विश्व और वैश्वानरों के द्वारा या वैश्वानर ने, अब किसका कैसे होता है वो देखते हैं, बोल रहे हैं ये दिक् वातार्क वर्ण अश्वभी, ठीक है, यानी दिक् वायु सूर्य वरुण और अश्विनी कुमारों के द्वारा या अश्विनी कुमार से, यानी देवताओं के द्वारा, यानी इन्हीं देवताओं के से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्रमान नियंत्रित नियंत्रित
श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमशः या क्रमात् कौन कौन सी होती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधान, इतना दिया है। फिर आगे कर्म इंद्रियों के बारे में वर्णन किया गया, उसके बाद फिर अतर इंद्रियों के बारे में वर्णन किया गया, फिर अंतिम में सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतु ऐसा बोला गया। अर्थात ये सब जो हैं, जो स्थूल विषय हैं, उनका अनुभव करते हैं या उनका भोग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा जानते चलेंगे और एक बार क्रम से देखेंगे, ठीक है। तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ जागृत अवस्था में, ये दोनों कौन, विश्व और वैश्वानर, दिक् वातार्क वरुणाश्व भी, ये इसमें थोड़ी सी एक मात्रा और लग जाएगी, ठीक है। दिक् मतलब दिशा, वात मतलब वायु, अर्क मतलब सूर्य, वरुण मतलब वरुण, और अश्व भी मतलब अश्विनी कुमारों के द्वारा क्रमात् नियंत्रिते नियंत्रित त्रियेत अर्थात क्रम से नियंत्रित होते हुए श्रोतादि इंद्रिय पंचकेन, श्रोतादि जो हैं उन इंद्रियों के, पांच इंद्रियों के द्वारा क्रमात् क्रम से शब्द, स्पर्श क्रमाद, रूप, रस, गंधान, इनका भोग करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जानते चलेंगे तो समझ में आ जाएगी। पहले हम लिख लेते हैं इसमें देवता, ठीक है। उसके बाद में है इंद्रियां, और फिर उसके बाद में है स्थूल विषय। ये तीन चीजें हैं, देवता दिक् है, दिक् मतलब दिशा, दूसरा है वात यानी वायु, तीसरा है अर्क मतलब सूर्य, चौथा है वरुण मतलब वरुण, पंचम है अश्वी मानी अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार ये देवता हैं, इनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं इंद्रियां। इनके द्वारा क्या नियंत्रित की जाती हैं? इंद्रियां नियंत्रित की जाती हैं। तो इंद्रियां कौन सी हैं? श्रोत्र। अब श्रोत्र के बाद में आदि कर दिया है तो हमको पता नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे इस समय, क्योंकि हम सीख रहे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हैं स्थूल विषय। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है। दिक् नामक देवता जो है वो श्रोत्र इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अर्थात उनको नियंत्रित करके श्रोत्र इंद्रियां क्या करती हैं, नियंत्रित होती हुई शब्द का भोग करती हैं। अर्थात कान शब्द को सुनते हैं या उसका भोग करते हैं, अनुभव करते हैं, जो भी इसका अर्थ लगाना चाहें। तो ये भोग का वर्णन है, शब्द यहां पर विषय है, उसका भोग इंद्रियां श्रोत्र करती हैं और दिक् यानी कि दिक् नामक देवता उनको नियंत्रित करता है। याद रखना किसको नियंत्रित करता है, इंद्रिय को। ऐसे स्पर्श है और वायु है, तो स्पर्श किसका होता है, हमें त्वचा के द्वारा स्पर्श महसूस होता है, अर्थात त्वचा जो है स्पर्श का भोग करती है। तो त्वचा इंद्रिय है, भोग करता है, विषय स्पर्श है, स्थूल विषय है, और वायु द्वारा त्वचा यानी इंद्रिय नियंत्रित होती है। ये ज्ञान इंद्रिय माने जाते हैं पंच, याद रखना है आपको। तो ज्ञान इंद्रिय का ही विषय चल रहा है श्रोत्र त्वचा। अब आता है रूप, रूप हमको पता है कि चक्षु, चक्षु मतलब आंख, तो आंखों से रूप को भोगा जाता है,
या रूप का अनुभव किया जाता है और इस चक्षु को सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। ऐसे ही वर्ण हैं रस, जिह्वा। जिह्वा के द्वारा रस का भोग किया जाता है या जिह्वा उसका अनुभव करती है, रसास्वादन करती है, और वर्ण देवता जो हैं वो इस जिह्वा को नियंत्रित करते हैं। गंध जो है घ्राण यानी नासिका से अनुभव की जाती है या नासिका गंध का भोग करती है, और अश्विनी कुमार जो हैं उस नासिका यानी इंद्रिय को नियंत्रित करते हैं। ऐसे इनके नियंत्रण में ये सारी भोग की प्रक्रिया चलती है। अब नियंत्रित होते हुए इनके द्वारा, अब यहां तो भोग हो रहा है लेकिन सबसे अंत में क्या जा रहा है, समष्टि के रूप में वैश्वानर भोग कर रहे हैं और यहां पर विश्व के द्वारा भोग किया जा रहा है इनकी तीनों की सहायता, दोनों की सहायता से इन स्थूल विषयों का, यह हमको याद रखना है। अब कैसे भोग होता है, क्या होता है, इसको अनुभव से संबंधित मानिए आप। भोग का मतलब उसको खाना नहीं है, भोग का मतलब होता है उसका अनुभव, ठीक है। चलिए अब हम सीधे, इसमें और कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, मैंने बताया था कि एक बार आपने समझ लिया तो ये कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। इसी की तरह कर्मेंद्रियां हैं और अतेंद्रियां हैं, एक बार ये समझ में तो बाकी ये समझ में आ ही जाएगा। अब दूसरी हम चलते हैं कर्मेंद्रियों पर, आशा करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक चीज रह गई थी, थोड़ी सी गलत है ये, नियंत्रितेन है ना, ये थोड़ा सा गलत है इसमें, अब इसमें है कर्मेंद्रियों, इसमें सीधे बोला गया है उन्हीं के, उसके बाद की चर्चा है, मैंने तो इसको भागों बांट दिया है लेकिन उसमें सीधे सीधे एक ही हिस्से में दे दिया है, अग्निन्द्रो उपेंद्र यम प्रजापति भी कर्मात् नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचनागमन गमन विसर्ग नंदान, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है इसमें, क्योंकि गलतियां रहने की संभावना रहती है। आग्निन्द्रियो आग्निन्द्रो पेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वाग आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद वचन आदान गमन विसर्गा आनंदान, फिर वही आ जाती है, सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतो, अर्थात इनके द्वारा स्थूल विषयों का अनुभव होता है। अब यहां पर अग्नि, मैं सीधे सीधे लिखने के बाद समझाने का प्रयास करूंगा आपको, इंद्रिय और विषय, ठीक है। अग्नि है
इंद्र है, उपेंद्र, उपेंद्र का मतलब विष्णु, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई माने जाते हैं विष्णु, इसलिए उपेंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। यम और प्रजापति, ये पांच देवता हैं। ये पांच देवता वाग आदि को, वाक मानी वाणी, इनको नियंत्रित करते हैं। इनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हुए वचन आदान गमन विसर्ग आनंदान इन कोषों विषयों का भोग करते हैं। वचन का मतलब बोलना है ना, वचन ही लिख रहा हूं यहां पर। इंद्र इसमें दे रखा है आदान देना या आदान करना, प्रदान करना, ग्रहण करना, ठीक है। गमन, गमन का मतलब चलना होता है, जाना। विसर्ग, विसर्ग का मतलब विसर्जन करना, निकाल देना एक तरह से। आनंद, काम सुख, ठीक है ना, या काम सुख से लिया गया है इसका अर्थ। अब जो है विषय है वचन, यानी कि बोलना, वो बोलना किसके द्वारा होता है, या उसका भोग कौन करता है, या उसको अनुभव कौन करता है, या किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी बातें एक ही हैं। वो वाणी के द्वारा होता है और इसको नियंत्रित किया जाता है अग्नि के द्वारा। अग्नि तत्व जो होती है या अग्नि देवता होते हैं, उनके द्वारा वाणी, और वाणी से फिर वचन का भोग किया जाता है। और सारी ये व्यवस्थाएं विश्व और वैश्वानर के द्वारा प्रयोग की जाती है, इसको याद रखना है। पीछे कौन है इनके सबके, विश्व और वैश्वानर है, और उनके पीछे कौन है, चैतन्य है, ठीक है। तो अग्नि, अग्नि के द्वारा नियंत्रित वाक, और वाक से प्रयोग की जाती है वाणी। ऐसे ही आदान यानी देना ग्रहण करना, यह होता है हस्त, हस्त मतलब हाथ, हाथ के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और इसको इंद्र देवता जो है नियंत्रित करते हैं। गमन का मतलब होता है चलना, चला किसके द्वारा आता है, पाद यानी पांव के द्वारा, और विष्णु देवता इसको नियंत्रित करते हैं। गमन इसका विषय हो गया, इंद्रिय इसका पाद हो गए, और विष्णु इसके देवता हो गए। ये तीनों चीजें हमको क्रम से याद रखनी है। ऐसे विसर्ग यानी जो हम कुछ खाते हैं चेतन के रूप में, वो होता चेतन है, फिर चेतन में रहता है, उसके बाद में फिर उसको विसर्जन करना होता है। तो कुछ इंद्रियां हैं जो कुछ विसर्जित करती हैं, मल आदि त्याग जो होते हैं वो विसर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें आता है गुदा, ठीक है, और आनंद यानी काम सुख, जननेन्द्रियां इसको बोल सकते हैं आप, ये इसको नियंत्रित करते हैं। प्रजापति के द्वारा जननेन्द्रियां आनंद का यानी काम का सुख का भोग करती हैं। इस तरह से ये कर्मेंद्रियों के द्वारा पूरी व्यवस्था दी गई है, और इसमें ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, सीधी सीधी प्रक्रिया है, एक बार में आपको याद हो जाएगी। हम अतिंद्रिय पे चलते हैं और उसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि इसमें सीधा सीधा है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार आप देखेंगे सीधा याद हो जाएगा, उलझाव नहीं है। इसीलिए चार्ट के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है, और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। इसमें एक चीज अगर करना चाहें, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है, थोड़ा आप ऐसे भी सीधे कर सकते हैं। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं वाक हस्त पाद गुदा जननेन्द्रियां कर दिया है मैंने, इसको आप वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये भी नाम याद रख लेना, ये भी इसके नाम हैं अलग से। आदान का मतलब मैंने बता ही दिया, ग्रहण करना, गमन का मतलब चलना होता है, और विसर्ग का मतलब सीधा मल त्याग से संबंधित है इसका अर्थ, वो भी आपको याद रखना है। अतिरिंद्रिय बोला गया है चंद्र,
चतुर्मुख, शंकरा, अच्युतई, चंद्र चतुर्मुख, शंकराच्युतई, क्रमाद नियंत्रितेन, मनो बुद्ध्या अहं, मनोबुद्धि अहंकार, चित्ताख्या खेन, अंतरिंद्रिय, चतुष्केण, क्रमात्, संकल्प, निश्चया, अहंकार, चेतांश्च, सर्वान एतान, स्थूल विषयान अनु भवतो। चंद्र चतुर्मुख शंकर च्युतई, क्रमान नियंत्रितेन, मनोबुद्धि अहंकार, चित्ताख्येनांतरिंद्रिय, चतुष्केण, क्रमात्, संकल्प, निश्चय, अहंकार, चेतांश, सर्वा एतान, स्थूल विषयान अनुभवतो। अब जो चीज है सर्वान एतान स्थूल विषय अनुभवतो, ये यहाँ पर अंत में प्रयोग किया गया है। वो जो मैं दोनों समझाए थे ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के बारे में इससे पहले थे, तो इनको मैंने वहां पर भी प्रयोग कर लिया था, अर्थात इनका प्रयोग सभी जगह होगा। ये जो है सर्वानितान जो कुछ है ये सब स्थूल विषय अनुभव, तो स्थूल विषय का अनुभव किया जाता है। अब इसमें भी देख लेते हैं, आ जाएगा इसमें देवता, इंद्रियां। अब इंद्रियां यहां पर अंतःकरण को लेना है, चार होते हैं अंतःकरण सब जानते हैं, और विषय बहुत तेरी जगह है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देवता में क्या है, देवता है चंद्र, चंद्र देवता, चतुर्मुख, चतुर्मुख का मतलब ब्रह्मा जी, ठीक है। फिर है शंकर और अच्युत, अच्युत का मतलब यहां पर अच्युत का मतलब भी विष्णु है। ये चारों देवता हैं जो अतीन्द्रियों को अंतःकरण को एक एक को नियंत्रित करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, क्रमशः है क्रमात् नियंत्रित, यहां पर हम क्रमशः लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि इसमें पूरा दिया है, मन इनके द्वारा है, बुद्धि शंकर के द्वारा, अहंकार और चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये चारों अतीन्द्रियां माने गए हैं। लेकिन हम यदि सांख्यकार का अगर अध्ययन कर रहे होते तो अंतःकरण में मात्र तीन ही आते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, चित्त को वहां नहीं रखा गया है। इसीलिए जब योग को हम पढ़ते हैं उसको अध्ययन करते हैं तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों का, अरे चित्त क्या है,
तो चित्त को वहां पुरुष के रूप में ही प्रयोग किया गया, चैतन्य के रूप में प्रयोग किया गया, और उसकी वृत्तियां फिर जो प्रयोग की गई हैं, बहुत सारी व्यवस्था हैं और कोशिश करेंगे पहले इसको थोड़ा खत्म कर लें और उसका भी अध्ययन कराएंगे, बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा योग को। तो यहां पर ये चित्त की वृत्तियां हैं, यहां पर अंतःकरण में चारों लिया गया है वेदांत में, लेकिन सांख्य में और योग क्योंकि एक ही माने जाते हैं वो दोनों, तो वहां चित्त को छोड़ दिया गया है। इनके द्वारा नियंत्रित क्या होता है या भोग क्या होता है? संकल्प, बुद्धि के द्वारा निश्चय, अहंकार। अहंकार वैसे तो अहंकार अभिमान को प्रयोग है, प्रयोग किया जाता है अभिमान के लिए, लेकिन यहां पर अहंकार को अहंकार में ही सीधे दे दिया, अभिमान लगा लीजिए, है ना, गर्व, अभिमान या गर्व, गर्व है, ठीक है। और चित्त चेतन स्मरण, चंद्र, चतुर्मुख, शंकर, अच्युतई के द्वारा क्रमशः नियंत्रित होते हुए या क्रमशः नियंत्रित मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के नाम से जाने जाने वाली चार अंतः इंद्रियां क्रमशः संकल्प, निश्चय, गर्व और स्मरण को स्थूल, स्मरण स्थूल विषयों का अनुभव करती हैं, अर्थात उनका भोग करती हैं। संकल्प मन के द्वारा किया जाता है, इसको नियंत्रित चंद्र देवता के द्वारा किया जाता है। निश्चय बुद्धि के द्वारा किया जाता है, हम जो भी कार्य करते हैं उसका निश्चय जो करना है, कि आपको निश्चय करना पड़ेगा, निश्चय का जो विषय है वो बुद्धि का है, बुद्धि के द्वारा निश्चय किया जाता है और उसको ब्रह्मा अर्थात चतुर्मुख के देवता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है बुद्धि को। अहंकार का जो कार्य है वो गर्व करना है, गर्व करिए अपने ऊपर, दूसरों के लिए गर्व करिए, देश पर गर्व करिए, जो भी चीजें आ जाती हैं तो वो अहंकार के द्वारा भोगी जाती हैं, अर्थात उसका विषय होता है अहंकार का। अब विषय का मतलब भोगना नहीं होता, विषय का मतलब आप भोग से भी लगा सकते हैं, अनुभव से भी लगा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है। और इसको नियंत्रित शंकर देवता के द्वारा किया जाता है, विष्णु देवता के द्वारा चित्त को नियंत्रित किया जाता है और चित्त जो है स्मरण को भोगता है। तो तीनों इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतर इंद्रियां, इनके विषय हैं, इनके देवता हैं और भोगों का ये पूरा विवरण है, इससे एक शब्द भी बाहर नहीं है। उम्मीद करूंगा ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर पुस्तक हो तो उससे अवश्य अध्ययन करते चले जाएं, मैं बार बार कहता हूं क्योंकि पुस्तकों का विकल्प किसी के पास नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जिनके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है उनको ये कुछ ना कुछ मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।